पहले तो ये बताएं कि आप एक बार फिर अपना मीटर पीछे करवा के आए 10 साल। सर क्या कह रहे हैं, सोने लग रहे माशाल्लाह। नहीं सर ये देखें आप, ये असल में आपकी आंखों का कमाल है। नहीं सर ये आंखों का हमारी कमाल नहीं है, मैंने पता कराया आप पेशावर में भी ऐसे ही लगते हैं। ये सिग्नल हर जगह आ रहे होते हैं आपके, तो ये मुझे बताएं। लोग घूमन च आते ने तो सोने लगते ने, यह घूमन छड़ते ने तो सोने लगते। टेंशन खत्म हो जाती है ना। लेकिन यार की जिन्ना स्मार्ट है मुझे लगता तुसी लैपो कराया। वो नहीं होता, लाइपोसक्शन होती है। बात जो है ये इससे नहीं होता, ये जो इस वक्त हुसन चलक रहा है इसकी वजह सिर्फ वो नहीं हो सकती, ये कुछ और है। वैसे आपको कभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोशिश की है कांटेक्ट करने की? क्यों? क्योंकि बनता नहीं है उनका करना। छेड़े चलती फिरती। नहीं नहीं मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था, लेकिन उसने कहा कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये निकालने पड़ेंगे, यहाँ जो तिल थोड़े थोड़े से आए ना ये। क्यों निकालने पड़ेंगे? पता नहीं कहते उसे कहना था, था। आप अगर तुम लोगों की छेड़ एक आ गई है, तुम लोग कह रहे हो कि निकालने पड़ेंगे, ये तो आप तो वो हैं जिनको हसद से देखते होंगे माशाल्लाह। नहीं वो कहते आपकी स्किन खराब होती जा रही है। बहुत अच्छे, अगर आपकी स्किन खराब है तो फिर यहाँ तो तबाहियां हो चुकी है। वो कहते हैं ज्यादा स्क्रीन पे ना आया करें, ये खराब हो जाता है। शौकत भाई ने पिछले 2 महीने मॉडलिंग भी की थी। अच्छा जी। फिर छड़ दी। क्यों? मैं कहा तो छड़ी, कहंदा यार सिर्फ आन जान दा किराए देंदे। अभी आपने अभी मफरूजे घड़े हुए हैं कि ऐसा होता है, आप जो मॉडलिंग करते हैं उनसे पूछे मैडम आप प्लीज बताएं इनको क्या सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं ना बिल्कुल। अच्छा मॉडलिंग जब आप करती है मेकअप आपका अपना होता है या उधर कोई? आप भी का तो यहाँ पे यही करते हैं। आप कौन सा साथ लेकर आते हैं अपनी ब्यूटी के? मैं वाला टॉपिक बोलना है मैं पल्ले देना। यार तुम छोड़ो, कुनैन आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ। अच्छा तो क्या आपने अखज किया उससे? कुछ भी नहीं। हाय हाय मुझे भी यही डर था। और आप तो खुद फैशन मॉडल हैं, आपका फैशन से ताल्लुक है, आपको बताइए सही ड्रेसिंग वगैरह? परफेक्ट। ओए होए परफेक्ट। ओह माय गॉड। ओए होए अभी तो अल्लाह का अच्छा है। शौकत भाई अगे भी बच्चों की फीस रहती जे आपका कभी चक्कर लगा पेशावर का? नहीं कभी भी नहीं। पेशावर भी आप नहीं गई हुई? सवा भी गई हुई है? नहीं सवा भी वो नहीं गई। आप दावत तो देना उनको, देखें वो कभी वो आई नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा कभी गई हैं? नहीं। अच्छा इस्लामाबाद से आगे टापी नहीं है? ठीक है ना, आप उनको दावत तो दीजिए, वो देखे तो सही। आप नॉर्दर्न एरियाज ही नहीं आपने देखे, और इनका ताल्लुक शांगला से है। आपका तो ताल्लुक शांगला के बारे में कुछ मैं पहले बता चुका हूँ इनको। कहाँ बताया आप? मैंने बता दिया है। नहीं नहीं पीछे आपने शांगला बेचना शुरू कर दिया। जी जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुखमा सर मैं देख रही हूँ आपके फेस पे इतनी ग्लो है, इवन मैं जेलस हो गई। पूछना था कि कोई राज आपके ब्यूटी पार्लर वाले जो है उनका कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये जवाब देकर आपने उसको मजीद उसका दिल खराब किया। नहीं नहीं वो आपके पार्लर वाले ही। नहीं लेकिन सर आपके फेस पे जो ग्लो है और जो फ्रेशनेस है इसका मुझे राज बताएं। नहीं तो मेरे पास तो अभी भी वैकेंसियां खाली है। दो वैकेंसियां किस चीज की? यार ये कोई पूछने की बात है? तो को समझ नहीं आई ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जेलस होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ क्यों फिर क्यों? उसको समझ नहीं आ रही, आप पूछे ना। क्यों तुम पूछना सर कि वो जेलस हो गए ने जो मर्जी खाता हूँ। फिर कुछ तो ऐसा होगा ना उसको बताएं बेचारी अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रही ऐसा कैसे हैं आप जैसे आप हैं। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। देखिए एक आपको राज पता चला। बिल्कुल जीन्स आपके जेनेटिकली ही ये गिफ्टेड है या फिर? नहीं जीन्स तो इनकी नहीं कॉटन की है मेरे ख्याल। यार बस टेंशन ना हो ना यही है तो अलन के इस वक्त मुल्क बहुत टेंशन में है ना, पाकिस्तान बहुत टेंशन में, आवाम बड़े टेंशन में है। इन हालात का मुकाबला करना है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो है वो महंगाई है और इसने बड़े बड़े लोगों को मुश्किल में डाल दिया। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम मेरे ये ग्लो हो या ना हो, क्योंकि अब जो जिस तरह महंगाई से हम गुजर रहे हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल है। अगर नहीं आपने पिछले 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं ग्लो को बड़ा मेंटेन किया हुआ है और उसका राज आपने सुन लिया कि टेंशन नहीं आपने लेनी। वैसे भी जिड्डा तुसी प्यारे जे मुझे लगता तुम्हारे मोहल्ले च आटा 3 रुपए किलो मिलता है। अरे मैं एक और काम करता हूँ, वैसे यहाँ बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं जब तक नींद ना आए उस वक्त तक मैं वजू में रहता हूँ। जब तक नींद ना आए तब तक आप वजू में रहते हैं? जब सो जाता हूँ तो अलग बात है लेकिन सोने तक मैं वजू में रहता हूँ। माशाल्लाह परेशान ना हो ऐसी कोई परेशानी वाली बात भी है। और इसके अलावा सर कोई वैसे एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मैं वॉक तो करता हूँ।
वैसे आप ये बताएं, आपकी पहले मुलाकात है शौकत साहब से ना? नहीं, नहीं है। आपके ख्याल से शौकत साहब की एज क्या है? मेरे ख्याल से शायद 40s में होंगे। ज़्यादा बोल गई है। मतलब 40s के करीब तो उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। आप सर बताना चाहेंगे इनको या आप नहीं? मेरी 60 है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह।